अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एगलेस केक के स्पंज की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार केक बनता है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप पीसी हुई चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, वेनिला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून, 1/4 कप हमने यहाँ पे ऑयल लिया है, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक, 1/2 चम्मच विनेगर। सबसे पहले हम बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क, 1/4 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून विनेगर और मिक्स कर लेंगे और साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया, उसमें हमने छन्नी रखी है, इसमें हम पहले मैदा डालेंगे और छान लेंगे। इसमें हम डालेंगे, हमने 1 कप पीसी हुई चीनी लिए, उसे भी छान लेंगे, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, कोको पाउडर, सभी को छान लेंगे। अभी हमने इसे छान लिया है। हमने जो मिल्क साइड में लिया था उसमें हम हमारा ड्राई बैटर डालते जाएंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे, 1/2 टीस्पून मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने एक पतीला लिया जिसमें हमने पेपर डाल के इसे ऑयल लगा लिया है, आप चाहे तो बटर पेपर भी डाल सकते हैं। और हमारा बैटर डालेंगे, 2 से 3 बार टैप करेंगे। यहाँ पे हमने एक पतीला लिया जिसमें हमने नमक डाल दिया था और 10 मिनट के लिए गरम कर लिया है। अभी हम हमारा केक का पतीला रखेंगे और इसे ढक के हम लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 40 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम हमारा केक चेक करेंगे। तो यहाँ पे केक बेक हो चुका है, अभी हम इसे निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। इस तरह से साइड से हम चाकू से कट लगा लेंगे। और इस तरह से पलटा लेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अभी हमने जो पेपर लगाया था उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने जालीदार हमारा केक का स्पंज बना है। अभी हम इसे बीच में कट करके बताते हैं। तो ये पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ है अभी तक, फिर भी हम कट कर रहे हैं। तो देखिए अंदर से बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो
तो हम इस केक की आइसिंग किस तरह से करेंगे उसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।